में सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। हमारा एक होनहार और अच्छा बच्चा टोनी जहाज कंपनी के लिए चुना गया। तुम जहां भी जाओ, अमीर रहो या गरीब, सफल हो या असफल, यह कभी नहीं भूलना कि सबसे पहले तुम्हें एक आदर्श नागरिक बनना है, एक आदर्श पिता बनना है, इसके बाद कुछ और। थैंक यू मदर, मैं आपकी बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। टोनी, जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या टोनी, इस बार भी घर से कुछ नहीं आया? अबे कभी इसके घर से कुछ आया भी है? अरे रॉबर्ट, तू इसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? तेरे डैडी कहाँ रहते हैं और तू क्या घर से झगड़ गया है? For God's sake, you guys, for the last time, मेरे दुनिया में कोई नहीं है और मैं अनाथ आश्रम में पला हूं। ओ साला, तो तुमको यह हरा भी है। बड़ी बेरहम माँ होगी, किसी ऑर्फनेज में छोड़कर चली आई होगी। अच्छा, तो बिना शादी के पैदा हो गए क्यों? देखो, तुम में और मुझ में सिर्फ ये फर्क है ना कि मैं शादी से पहले पैदा हो गया और तुम शादी के बाद। ये क्यों नहीं सोचते कि मैं तुम में से किसी का छोटा भाई या बड़ा भाई हो सकता हूँ? हमारा बड़ा भाई? अबे हमारी मम्मी को गाली देता है। अरे क्या समझता है, हम तुम्हारा दांत तोड़ देगा। यो बास्टर्ड, साथियों के साथ झगड़ा करके अपने आप को बर्बाद कर दिया, कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब तुम जहाज कंपनी में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। साहब,
ये आदमी रोज दारू पीकर दूसरे के घर में घुस रहा है। ये आदमी झूठ बोलता है साहब, मैं अपने घर में घुसता हूँ, बस देखने मालूम होता है कि अपना घर नहीं है। फिर मैं साले लोगों ने दारू में मिलावट करना शुरू कर दिया है। चुप रहो, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब। दारू मिलाओ, खाने मिलाओ, चल तक चल। देखो तुम ज्यादा गड़बड़ करेगा हम तुम्हें ठीक कर देंगे। कहने पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब, दारू मिलावट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ तुम्हारा नाम? तूनी। आपका नाम? चालू। उसके बाद का नाम भारत होते हैं ना फ्रांसिस, उसके बाद का नाम सिंग सर सिंगर है, उसके बाद का नाम अरे सुनो बाप का नाम क्या है? तुम किधर जाते हो? तुम समझ गए? ये सुनो साहब, ये सुनो साहब, ये अपने बाप का नाम नहीं बता पाए, इसके बाप भी मिलावट है। अलंदर बंद कर दो, बंद कर दो। चलो 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 उधर, मैं इधर। चलो पहले आओ। जयराम जी, जयराम जी की, जयराम जी की। काका कोई काम वाम है? अरे बेटा तू क्या काम करेगा, तू तो बड़ा जेंटलमैन आदमी है, जा किसी सिनेमा विनेमा में काम कर जा। जब हम अपना पेट नहीं भर सकते तो तेरा कहाँ से भरेंगे? और जब से हमारा गोविंदा गया है ना, तब से मछली भी रूठ गई है। कभी हम मछली के पीछे, कभी मछली हमारे पीछे, कभी हम मछली के पीछे, कभी मछली हमारे पीछे, कभी हम जा 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 अपना काम कर जा। माजा हो धाम तो पैसे भरता है चांगल। अरे वाह रे वाह, मतलब पैसे तो सत्य भाई। कोई काम वाम है? काम काम तू काम कर ले, ये हमारे यहाँ से काम तुझे नहीं होगा। तो हम वहाँ हमारे पीछे लगे हो, सुबह से कोई नहीं मिला तुझरा क्या? तो बुरी बोल मुझे पाठवा छोड़ बाबा जा मुन्ना, तो फिर क्या कैसे कैसे मानती है? तो काम से काम वही कैसे मदद की है। तू बहुत अच्छा लड़का है मेरा गोविंदा जैसा। अरे आजा 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 बेटा आजा आजा। हाय काम के मैं काट के ढाई मन अनाज के। जमाई का पति माजा नहीं बाई नहीं तारा। ओ बेटा तारा आई बाबा। ओ तारा तारा तारा, ये है अपना टोनी। टोनी? हाँ टोनी। कौन टोनी? कैसा टोनी? क्या टोनी?
अरे अपने को भी नहीं मालूम, मगर आदमी है भरोसे का, इसलिए इसको घर लाया हूं। देख तारा, बहुत अच्छा लड़का है। देखती क्या है, बहुत अच्छा लड़का है, इसने अपने मदद भी किया है। अपने गोविंदा जैसा लगता है ना, अपने गोविंदा जैसा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अपने गोविंदा जैसा लगता है ना, गोविंदा जैसा लगता है ना, गोविंदा जैसा लगता है ना। देवा,
हा कोण आहे सांग ना मला. सांग ना. कोणी कोण? माझा भाव धनी भाई. हो वसा तुझा भाऊ. दिल की बात समझता है. तुम क्या करेगा? हमने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर काबू किया है. तारा अब तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा. तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया. हम भी नहीं भूलेगा. आज मैं बहुत खुश हूं तारा. बहुत खुश हूं. बहुत खुश. लो फोन करू ना आपल्या लोकांना रात्री त्रास देतो काय ड्युटी. अरे हे कोण आहे हो? बघा बघा हे किती जात बोल. चंदन सर. चंदन सर किती जात बोल. अरे इसका तिजोरी तोड़ के आता है तुम शिंदे. हाँ शिखे. हाँ घेतो घेतो. हाँ तू पर कर भाई. अगर कुछ तुम्हारी नशे से निकला है तो मुझे भी दे देना. काय रे बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता है. अब भी तेरे को थाने लेके जाएगा समझा. थाने जरूर ले चलो. सोने के लिए जगह और खाने के लिए रोटी तो मिलेगी. ये आदमी तो अपने को सर फिरेला मालूम पड़ता है. उधर अपना भी सर फिरा देगा ऐसा. हाँ शिंदे. हाँ बेटे सो जाऊं दे. जाऊं दे. हाँ जाऊं दे. जाऊं दे. जाऊं दे. ये लो चलो जाओ. जा जाओ. सुनो उधर दूसरा हवलदार मिलेगा तो बोल देना लास्ट शो पिक्चर देख के आता है समझा क्या. अरे समझदार कहाँ है. चलो जाओ जाओ. जा जा चलाओ शिंदे. चला चला. तुम इधर काको बैठा है बोलता क्यों नहीं. क्या हमारा गल्ला उठाकर भागेगा. अरे भाई हम तुम्हारा क्या लेके भागेंगे. हमारा ही सब कुछ चलेगा. ए हमसे तुम्हारा ये रंगबाजी नहीं चलेगा. इधर सब यही बोलता है. हम लुट गया हमारा पाकिट मार लिया पर सामने वाले का पाकिट मार के छू हो जाता है. चलो उठो यहां से नहीं तो हमारा आदमी आ जाएगा और एक मिनट में तुम्हारा गर्दन. भाई अपने आदमी को बोलो हमें कोई काम दे दे. तुम काम करेगा. हाँ भाई. किधर रहता है. कहीं नहीं हमको घर नहीं. तो माँ बाप किधर रहते. क्यों हो गया. क्या माँ बाप मर गया. अनाथ आश्रम में पले मालूम नहीं हमारा माँ कौन था बाप कौन था. कोई था भी या नहीं. क्या सारा मेरी फिरिंग भाई बोल करता था. इसको खाने को क्या बोलता है. तेरे को कुछ
मेरे को नहीं, ये बोलता है इसका माँ बाप तावी की नहीं। अरे तुम पैदा कैसे हुआ? माँ बाप के बिना कहीं बच्चा पैदा हो जाता है। साला पैदा होने का बात करता है, साला पैदा होने को तो कीड़ा मकोड़ा भी पैदा होता है। हाँ साला कीड़ा मकोड़ा हुए क्या हमारा माफक इंसान हुए? बेटा जिंदा रहने का साला बहुत लफड़ा है। हाँ लफड़ा है। और दूसरे साला इस दुनिया में जिंदा रहने का वास्ते चाकू मारना भी पड़ता है और चाकू खाना भी पड़ता है। और मेरा जान तेरी, मैं तेरे वास्ते जेल भी खा सकता हूँ। ए वो चढ़ गई क्या? ए तुम चलो संभालो अपने दादा को। ए चोर चोर साला ये लोग मेरे को क्या संभाले है? मैं 10 बरस से इन लोगों को संभालता हूँ मालूम है? माई थे मादा नाव का है पक कर दादा जा जा। मिटाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए, तुम किधर चला? हमारा बच्चा बुरा मान गया क्या? हम वही बोलता है जो दुनिया बोलता है। चल अंदर चल, शक्ल से लगता है भूखा है तू, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अंदर चल कुछ खा और फटाफट यहाँ से फूट जा, अपन को लकड़ा नहीं मांगता। आओ अरे आओ ना बाबा बैठो। और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं, हम तो वो हैं जो बोतल हिला के पीते हैं। क्या बात करते हैं, खाओ ना बाबा, फोकट में नहीं डबल काम लेगा तू इसे खाओ। दोनों दुकान में किसको क्या मांगता है? इधर जा, इधर बैठने का नहीं है। तुम्हारा तो क्या हुआ? तुम जवान है, तुमको सहारा मांगता है। सहारा देगा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कान पकड़, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं। अरे तुम खाता कि नहीं? तुमको कौन क्या बोला? इधर सब ऐसा चलता है, खाओ तुम। अरे खाओ बाबा। तुम्हारा नाम क्या? टोनी। टोनी ये आपका नाम है? कुछ लोग टोनी मास्टर बोलता है। टोनी मास्टर ये कौन सा नाम हुआ? हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिस्ती, मराठा, गुजराता, अरे कुछ तो बोले ना भाई। हमको तो बंबई वाला है, इसमें क्या इतने से काम नहीं चलेगा? इधर तो खाली शक्ल से ही काम चलेगा। ये टोनी मास्टर, उधर से वो उठा के वहां रख दो। रखो अपने पास, कभी जरूरत हो तो यहां आना। हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, जाना है तो जाओ। अब यहां से कहां जाना है? शादी बनाया तुम कैसे पूछता? यहाँ कोई नहीं शादी बनाता, धंधे के वास्ते घर में डालता है। तेरी नौकरी
तेरा कप्तान का सामान, वो साला चोर का बच्चा कपड़ा तो बेच साली की धुलाई किया तो ये माल वापस दिया। थैंक यू कैसे बोलती है बहन, अगर हम तो जेल गया हुआ तब तक तुम मेरी खोली में आ जा, फिर इधर कमाल उधर उधर कमाल इधर, ये सब तो चलता है। अपन को नहीं चलता, समझा? समझा, एक दिन मैं तेरे को नहीं समझाना तो मेरा नाम भी बोर कर दादा नहीं। अरे जा जा जा, सारी तेरे टोनी को दिला देगा, खोली दिला देगा। कैसा मर्द है तू, थोड़ा सा मुश्किल से घबर जाता है। अरे तेरी माँ, हमारा छोड़ो, इधर आज बहुत लफड़ा हुआ। क्या हुआ तू, हमारा आदमी आ गया? आदमी नहीं बाबा, इंस्पेक्टर, वो इक्रम दादा को जेल में डालने वाला। हमको बोला दारू का धंधा छोड़ दो, हम बोला धंधा छोड़ेगा तो क्या तुम हमारा पेट भरेगा? अरे तुम नहीं बाबा, हम इंस्पेक्टर को बोला, वो सुने तब ना, कहता था सीधा रास्ता चलना मांगता। हाँ सब ठीक ही बोलता है, हम इक्रम दादा को कितना बार बोला कि हमारा भाजीपाले का अच्छा दुकान है, 10-20 रोज मिलता है, पर वो गटर का पानी पिला पिला के 50,000 कमाना मांगता, सेठ बनना मांगता, हमारा मिट्टी खराब करता, हमको छोड़ता भी नहीं। तुम क्या करेगा, तुम खुद ही माँ का गोद में बैठना मांगता, कुछ खा और सो जा, कल तुम बाहर जाकर नौकरी देखेगा, अपना घर लेगा, समझा? कल से मैं काम ढूंढने नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो अपना घर कैसा बनाएगा? घर न मेरा कभी था न कभी होगा। नहीं होगा? नहीं। क्या? नहीं नहीं नहीं। एक तो मास्टर हम बदन को अंगार लगा सकता है, जेल खा सकता है, पर टूटा हिम्मत का बात कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो दिन दरिया में रहा है, बोलो अभी टूटा कश्ती को दरिया पार करते देखा? ए टोनी मास्टर, हम हमेशा तुमको ऐसा देखना मानता, इसमें फिर तुम कितना अच्छा लगता है, लेकिन तुम बार बार अपने से अलग रखने और अपने से अलग घर लेने की बात करती। इस वास्ते कि तुम अगर इधर रहेगा ना तो एक न एक दिन इक्रम दादा तुमको भी इस धंधे में डालेगा। हम अपने बॉयफ्रेंड को इस लफड़े में नहीं पड़ने देगा, हम तुमसे बड़ा है, हम बुढ़ा हो जाएगा ना तब तुमको एक गर्लफ्रेंड लाएगा। तुम हमेशा यही रहोगी। अच्छा बोलो तुमने जहाज का नौकरी काय को छोड़ा? छोड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन ना। एक जहाज कंपनी में हम 5 साथी हुआ करते थे जो हमेशा हमें की तरह खुले मिले रहते थे, लेकिन एक दिन Thank you.
फिर तुमको निकाल दिया, अब इसमें तुम्हारा कसूर किधर हुआ? मुझे तो सजा भी मगर मैंने उस आदमी बचा लिया। डरो नहीं, हम जैसा बोलता है वैसा करना। माँ बाप नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसा माँ बाप का क्या करना है? ये है तुम्हारा खोली, बोलकर दादा इसके पीछे बहुत जान खपाया। पेरिन, मुझे शहजादा बनाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी? अरे तू शहजादा है फिर भिखारी के माफिक रहेगा? ओफो, मैं पूछ रहा हूँ उसका कितना पैसा देना पड़ा? तुमको क्या लेना देना? क्यों, ऐसा देखेगा तो कोई भी छोकरी बंदरिया की माफी आएगा और तुमको उड़ाकर ले जाएगा। अरे कैसे ले जाएगा, तुम जो हो साथ। अरे बाबा, औरत आदमी से 10 साल पहले जवान हो जाता और 10 साल पहले खलास हो जाता। तुम भी एक दिन हमको देखकर मुंह बिचकाएगा, हमको मालूम। कोई बात नहीं, हम भी करम दादा को देखकर ऐसा ही करता है। तुम ऐसा करेगा तो मुझको अफसोस नहीं होगा? कहाँ जा रही हो? हम तुम्हारे साथ रहेगा तो हमारे खोली में उधर चूहा लोग डांस करेगा और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। संभल कर खर्चा करना और देखो काम ढूंढो, और मेहरबानी करके ये खेती कटवा देना, अपन तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करेगा। बाय बाय। बाय। कौन है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंकल, दीदी ने बोला है बड़ा मम्मी अम्मा जी का। वाह कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी के साथ आए। Hi Tiki, hi Nalini. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Excuse me sir, इसे निपटा कर अभी वहां आती हूँ। Okay, but
मैं समझ गई। काफी समझदार हो गई हो। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। ड्राइवर। क्या ये तेरा आज का बकरा है? नहीं है। ये तो मेरा नेबर है। ओ, इसे पहले कहीं देखा है? देखा है? आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मैं फिलहाल रोड इंस्पेक्टर। ओह, मैं समझी। सर्विस की तलाश? जी हाँ। सीरियसली? जी। मैं अपने बॉस से बात करूंगी। वो कई कंपनी और फैक्ट्रीज के मालिक हैं। अगर बात बन गई तो मैं इनसे आपको खबर भिजवा दूंगी। थैंक यू। लेट हो गया। तुम मेरे साथ कहीं भाग जाओ। किधर भागेगा? पहले बोर कर दादा को 10,000 देना मांगता। कैसे देगा? धंधा कमती हो गया। उधर इकरम दादा बीमार होने का खबर आया। किधर तुम पागल सरीका करता है। तुम अक्रम दादा का बहुत ख्याल करती है क्या? नहीं करेगा क्या? वो ही हमको संभालता है। वो मर जाएगा तो लोग हमारा बोटी बोटी खाएगा। सबसे पहले बोर कर दादा, उसे संभल कर रहने का। पीछे से छुरा मारता है। बच्चा हमको बे फिक्र है, इसको पैसा कैसे भरेगा? नहीं भरेगा तो क्या? वो साला खुदा के घर से छुरा लाया था क्या? छुरा बाजार में बहुत मिलता है। फिर हम भी अक्रम दादा का कुछ लगता है। हम उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है। वो बजाक है, बोर का दादा छुरा मारेगा। क्या छुरे का बात? देखो टोनी मास्टर, अगर तुम खराब रास्ते पर पैर रखा तो हम फांसी लगाकर मर जाएगा। सुना, तुमको भी लगाएगा। दोनों साथ साथ मरेगा, साथ साथ मरेगा। टेलीफोन नंबर भी है। मेहता एंड कंपनी। चाचा आज नलनी बहुत मस्त नजर आ रही है। चुकंदर मैडम बोल, ये तेरे बाप की होने वाली अम्मा है। अम्मा? अम्मा नहीं बेटा, बड़ी अम्मा बोल। बड़ी अम्मा? अबे जाके काम कर अपना। हमने आज तक मिस नलनी की कोई बात नहीं टाली, इसलिए मिस्टर टोनी आपको यहाँ काम मिलेगा। जी हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। डोंट गेट एक्साइटेड। हेलो सर। पाठक जी प्लीज कम इन। हमारे ख्याल से इंसान को थोड़ा पाकर बहुत ना चाहिए, बल्कि बहुत सा पाने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। यू नो मैन मस्ट बी एम्बिशियस, एम्बिशियस यंग बॉय। पाठक जी। यस सर। आप इन्हें बिल वसूल करने का काम समझा दें। नए बिल का? हाँ। आई 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 आई। मिस नलनी, लड़का तो बड़ा नमकीन चुना है। तो आगे के रास्ते से नहीं आने दिया तो आप पिछले रास्ते से आ गए हैं। होनहार मालूम होते हो, होनहार मालूम होते हो। तरक्की करो बेटा, बड़ी तरक्की करोगे।
लेकिन देखो उस तरक्की में जरा इस बुड्ढे का भी ख्याल रखना है, ऐसे तो तुम समझदार हो ही। पेरिन 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 पेरिन, तुम्हारी सारी मेहनत सफल हो गई, मुझे नौकरी मिल गई। क्या हुआ, क्या बात है? नहीं हुआ जो नहीं होना मांगता था। जेल में इक्रम दादा बीमार है, उसका ऑपरेशन कराने का हमारे पास पैसा नहीं, बोर कर आंखें दिखाता है, मर जाएगा, मर जाएगा। काय को हमारा कल खराब हो गया। अरे बहन जी भाई, ये क्या चीज है? श्रीमान आप इसे चीज कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी शय है। नलनी के पास तो सिर्फ जिस्म ही है, मगर नीला मेम साहब के पास अकल भी है। इन्होंने बॉस को करोड़ों के बिजनेस दिलवाए हैं। अच्छा फ्लैट है, पसंद आया? बड़ी मेहनत से बना है। आप सर्विस के साथ कुछ और भी करती हैं? हाँ, नहीं तो फिर चलेगा कैसे? वो देखते हो, मेरे फोस्टर फादर है, वो ही यहाँ का किराया देते हैं, अक्सर वो आते जाते नहीं रहे। मैं उन पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती, इसलिए थोड़ी मॉडलिंग भी कर लेती। मेरी राह में आप ही मॉडलिंग किया कीजिए ना। कर चुका हूं। हाय, मेरे हो तो शायद तुम आदमी नहीं फरिश्ता हो, मगर मुझे फरिश्तों की जरूरत नहीं। अगर मेरी एक शर्त है, मेरा आदमी पूरी बॉटल पिएगा और मेरी गोद में सरक के सोएगा। आदमी क्यों? क्या आदमी विस्की नहीं पीता, शादी नहीं करता? मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम कुछ नहीं जानते।
क्या? मैं खुद नहीं जानती कि ये क्या है। जब मैं 12 साल की थी तो ये बूढ़ा मुझे बेटी बनाकर अनाथ आश्रम से लाया था और इसने मुझ पे सहारा पर ये परसों मेरा बदन खेत की तरह नोचता रहा। शायद इसी की वजह से मैं जब भी किसी जवान आदमी को देखती हूँ तो मुझ पर वैश्यत तारी हो जाती है। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नन्ही नहीं समझ, तुम्हारा पिछला सब कुछ खत्म हो चुका है। आज से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे और ये तुम्हारी आर्टिफिशियल लाइफ नहीं चलेगी। नहीं नहीं बाबू, जिस्म तो जीने के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। दिखावा तो, अरे मैं तो भूल ही गया। अरे तुम तो बहुत सुंदर हो। सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। वो आ गए ना चक्कर में। अरे नलनी चीज भी ऐसी है बेटा, लेकिन भाई मैंने तो जिंदगी में किसी से मोहब्बत ही नहीं की। चाचा हो चाचा, चाची से भी नहीं। बेटा जरूरत ही नहीं पड़ी। औरत को काबू में रखने के लिए उसे अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ ताकि वो खा खा के इतनी मोटी हो जाए कि कोई निगाह ही नहीं उठा सके। और उसके मनपसंद कपड़े पहनाओ,
चाहे वो पहनकर नौटंकी की नायिका ही क्यों न दे। जब सामने आए ना तो मुस्कुरा के देखो, मुस्कुरा के देखो, चाहे अंदर ही अंदर छुरी चलाते रहो, तब औरतें कहती हैं अपनी पड़ोसन से कि अल्लाह के बापू, तो बस मेरी क्या बात चल पड़ी अजी, कुछ भी नहीं। आओ बेटे आओ, आजा सब आजा आजा। मैं अपने भतीजे को समझा रहा था कि जब से तुम घर में आई हो बस घर में लहर बहर आ गई है। नहीं, हमारे बाबू के यहाँ तो 15 थे और मैंने बस बाबा फैमिली प्लानिंग का जमाना है। और ये है हमारे कमांडर साहब, बस इन्हीं के इंतजार में ये इतनी बड़ी फौज आ गई। अगर जरा पहले आ गए होते ये। नमस्ते करो बेटे, नमस्ते करो। नमस्ते, आजा आजा आजा। नमस्ते करो बेटा। मैं जोक सुनाऊं, मैं भी मैं गाना सुनाऊं, मैं पोइट्री सुनाऊं, मैं डांस करके दिखाऊं। बस 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 करो, चाचा को फिर भी आने के चांस दो है। अरे फूटो तुम लोग यहाँ से। चलो 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 चलो। देखो बेटा, इस भरी हुई दुनिया में बहुत से लोग दिखाई देते हैं, भीड़ भाड़ दिखाई देती है, तूफान दिखाई देता है, लेकिन ये भरी हुई नहीं है। इसमें तो सिर्फ 6 लोग हैं। 6 लोग उंगलियों पर गिनाई देता हूँ। माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, सातवां बता सकते हो तू? अरे है ही नहीं तो बताओ भी क्या तू? मैं बता सकता हूँ। हाँ चाचा मैं। क्या? इत्तेफाक। इत्तेफाक यानी कि मैं, यानी कि हरामी। लेकिन उसे किसी दिन वो न समझ लेना जो मैं हूं, इसलिए गौर से देख लो। जाओ साथ के लिए ठंडा लेकर आओ। क्या ठाठी ठाठ है, आया भी टेलीफोन भी। बहुत दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, आखिर वो मुबारक दिन आ ही गया। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो मिस्टर परेरा, सॉरी रॉन्ग नंबर। अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। ओफो। हेलो। अरे मैं खन्ना बोल रहा हूँ। हाय खन्ना, थैंक यू डियर। अच्छा वो जूली। अरे जूली तो गई, अब तुम आ जाओ। कम ऑन डोंट बी सिली। कब मिल रही हो, कहाँ मिल रही हो, कैसे मिल रही हो? ओके बाय बाय बाय। टोनी तुम बहुत जेलस टाइप के आदमी हो। चाचा वो आ गई, वो आ गई। चाची आ गई, फौज भी साथ है। चाचा चाची नहीं जीप, जीप जीप। अबे कबूतर कभी तो सही बोला कर। जा जा मिस्टर टोनी। खैरियत तो है? अरे बिल्कुल खैरियत है बेटा, बस तुम इस चाबी को संभालो हैं और जम के वसूली करो, ऑफिस में नाम करो, हैसियत पैदा करो बेटा, मन पसंद लड़की से शादी करो। हाँ
तू यहाँ क्या कर रहा है? पहलिन भाई ने भेजा है, कहा है खा लेना। वो खुद क्यों नहीं आए? अरे बोलता नहीं क्यों नहीं, बता ना। बाई की तबीयत बरोबर नहीं। साहब उधर भोरकर दादा है। भोरकर दादा? बाई तुमको आने को मना किया, अपनी मौत का कसम दिया। मौत का कसम दिया? हाँ, तीन बार बोला, कहा बिना खिलाए मत आना। रहने दे। ओए यारा, कह देना आपसे मत पकड़ा नहीं। सारी जिंदगी मुझ पर दया और ममता की भीख देती रही, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए, मैं उसका कुछ नहीं लूंगा। हमने मेम साहब से कहा था कि आप आते ही होंगे, पर मेम साहब ने हमारी बात का यकीन ही नहीं किया और चली गई। कहाँ चली गई? गोवा जी, कलकत्ता, बड़े साहब के साथ। बड़े साहब के साथ? हाँ, कहती थी बोल देना। बोरी, तुम्हें कैसे पता मैं जरूर लौट कर आऊंगा? आप मेम साहब से इतना प्यार क्यों करते हैं? कह देना अपनी मेम साहब से मैं अपनी नफरत करता हूँ, नफरत। और आज का गया, कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। एक मिलन भी छोड़ दुनिया में कोई तोड़ होगी जो ये समझ सके मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। इस तरह नहीं जाने दूंगी, खाना खाकर जाइए। पीने को लाओ, ये नहीं वो लाओ। ना ओह ले ली भूरी, तुम हमेशा मेरे साथ सोशल वर्कर की तरह पेश आती हो। आज तुम्हारी जगह कोई दूसरी आया होती तो यहां से मैं हमेशा के लिए चला गया। हालांकि ठहर के खुश नहीं है। और मत पीजिए। तुम समझती मैं पीने के बाद अपने होश आवाज खो दूं? ऐसा नहीं समझती। क्यों नहीं समझती? मेरे पापा कहते थे पीने के बाद अच्छे आदमी और अच्छे हो जाते हैं। पीने के बाद आदमी सिर्फ आदमी हो जाता है। भूरी एक बात बताओ जी, अगर मैं यहां से चला गया और तुमने मुझे कहीं रास्ते में देखा तो बात करोगी? ऐसा मत कहिए, आपको जाने कौन देगा? रोक सकती हो? रोक जो लिया है अब आप सो जाइए। क्यों सो जाओ किसी और के बिस्तर पर? वो तो सही किसी गैर के बिस्तर पर, जिसका वजह मेरे सर पे थोपना चाहती है। अगर दुनिया में मेरा कोई नहीं तो मुझमें गैरत भी नहीं। जी जी, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। नहीं, सच ही कह रहा हूं। आज का गया, वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। जो पहली लड़की मेरे पांव में पानी डालेगी वही मेरी पत्नी होगी। कह देना, कह देना।
अरे तुम रो रही है? फोन कर दो। ये बीमारी डॉक्टर के बस की नहीं। मेरी बीमारी, मेरी बीमारी तुम भी ठीक कर सकते हो। माल नहीं रखता, हम धंधा बंद कर दिया। भगवान ने बनाया, उड़कर वो तुम्हारा जान लेगा या हमारा जान लेगा, खुदा के वास्ते क्या? तुम घबराए भी क्यों हो? मामला क्या है? तुम इंजिस्ट्रेट बन गया है जो मामला पूछता है। तुम ये मेरा घर है और तुम हमको छोड़ मत। पेरिन, पेरिन, पेरिन क्या कहता है? पेरिन बाय बोलो। पेरिन बाय ने तुमको बच्चे के माफिक अपने कलेजे से लगाकर अपना वो बात बोला जो दुनिया का कोई औरत मर्द से नहीं बोलता, और तुम हमसे छुपाया। बोलो, हमने नहीं कहा था तुम्हारे वास्ते अच्छा सा गर्लफ्रेंड लाएगा? घर जान छोकरी नहीं जैसा तुम ढूंढा। अब जल्दी भागो, वो दारू लाने गया, शायद रास्ते में मिले, उसे झगड़ना नहीं। और इधर कभी नहीं आना, समझ लेना पेरिन मर गई, लोग मरता भी तो है। पेरिन तुम कितनी बहादुर थी, क्या हो गया तुम्हें? औरत की क्या बहादुरी बच्चा, ज्यादा से ज्यादा डूबकर मरे या जहर खाए, हम दोनों करके देखा, हमारा नसीब ही खोटा है। तुम्हारे स्वीट हार्ट को हम गंदी बात बोला, हमको माफ करो। तुम हमें माफ कर दो, हमें माफ कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तुम कहीं बोला तो हम तुमको मिलेगा, हमको खुद मिलता है। अब हम तुम्हारा पेरिन नहीं है, हम किसी का पेरिन है। हम बाजारों औरत है, हम बाजारों औरत है, हम सच्ची बोलते हैं। अरे साला लोग, तेरे फलास हो गया क्या? मेरे को मालूम था तेरा मुंह चाटने का वास्ते एक दिन तेरा यार यहाँ जरूर आएगा। चलो पहले हम लोग यहाँ एक मिनट है। हाँ हाँ, ले जा ले जा। कैसा ले जाएगा? डोली लेके आया क्या? ये बच्चा है, ये तब ले जाएगा जब कोई जाएगा, ये ऐसा ही आया था, इसको जाने दो। सॉरी, हरकत। पहला मेरे को बोलती थी कि हमें छोकरे को नफरत करता है, अब ये प्यार कहां से बढ़ गया? मैं छोकरा नहीं हूं, आदमी हूं। आदमी मुझसे बात कर, मुझसे प्यार नहीं करती। मैं बोलो तुम,
भाई वाह वाह, बरफुजार ये जमाना मजनू बनने का नहीं है। अरे जिंदगी तो ऐसे ही बहुत फौला दी। छुड़ाओ इस खामोशी से पीछा बेटे, जिंदगी को नजर से नजर मिलाकर देखो। जिंदगी तो एक सफर है बेटा, जो साथ आए उसे लेते चलो, और जो नहीं आना चाहता उसके लिए तुम क्या करोगे मैं क्या करूंगा। उठो और उठकर समझदारी का सबूत दो। कलकत्ते से तुम्हारी मेम साहब आ गई हैं, उनसे जाकर मिलो। हाय टोनी, मुझसे मिलने आए हो? ओफो, अब तक नाराज हो? खैर गुस्सा छोड़ो और ये बताओ कि तुमने मेरी शिकायत भूरी से क्यों की? उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? और क्या, ये भी कि मैंने उसका हाथ पकड़ा था? छी, मुझे मत बनाओ। हाथ पकड़ लेती तो छुड़ाती कैसे? खैर हाथ पकड़ भी लिया तो मैं उसके लिए झगड़ा नहीं करूंगी। चलो फिर चलो। चलो ना, कम ऑन ना, पकड़ लिया छोड़ो भी। टोनी, 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 एक बात पूछूं? क्या एक आदमी एक वक्त में दो औरतों से प्यार कर सकता है? क्या? फिर सुनो, क्या एक आदमी एक वक्त में दो औरतों से प्यार कर सकता है? मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एक आदमी एक वक्त में दो मोटरबोट नहीं चला सकता। फिर वही मोटरबोट? अगर तुम किसी से प्यार ना करो और वो तुमसे करे तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? कोई सलूक नहीं करना चाहिए। ओहो, एक बात कहूं पूरा तो नहीं मानोगे? कहो। भूरी तुमसे प्यार करती है वैसा ही जैसा तुम मुझसे करते हो। देखो टोनी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए मजबूर हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी, तुम कभी कभी मुझसे बहुत परेशान हो जाते हो ना, अगर तुम चाहो तो भूरी के साथ। क्या फिर भूरी? ये मेहरबानी इसलिए कि तुम भी मुझसे ऐसी मेहरबानी की उम्मीद रखो। याद रखो नल्ली, मैं अपने बच्चों का बाप बनूंगा, सिर्फ अपने बच्चों का। क्या रोज रोज का तुम लोगों का झगड़ा झगड़ा? चाचा तुम ये बात खुदार, अब इस नारी पुराण को गोली मारो और कुछ व्यापार धंधे की बात करो, समझे? आज एक बात कहता हूँ, याद रखना, इंसान के पास बस तीन दौलतें होती हैं। एक रुपए पैसे की दौलत, नेक अखलाक की दौलत, और तीसरी दौलत होती है बेटा सेहत की। तो बरखुदार, जिसने सेहत की दौलत को चुना वो गुलाम बना, और जिसने नेक अखलाक की दौलत को माना वो फकीर बना, और जिसने रुपए पैसे की दौलत को जाना वो मालिक बना। वाह, बात तो बड़े काम की है चाचा। इसीलिए तो कहता हूँ बेटे कि अगर सेठ सीताराम से ऑफिस का सारा रुपया वसूल लिया ना तो तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। ये काम लीना मेम साहब के जरिए हो सकता है, पर खुर्दार कोई अपना जिस्म बेचता है और कोई अपनी अकल। मगर चाचा, वो तिलस्मी औरत मेरी मदद क्यों करेगी? और उसके सामने जाने से सभी घबराते हैं, और मैं तो बाबा। ओ नमस्ते, नमस्ते जी। आज मालूम हुआ कांचन चाचा तुम्हारी सिफारिश क्यों करते हैं। तुम एक नेक और अच्छे आदमी हो। थैंक यू। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली क्यों नहीं सोचते? आप ठीक ही कहती हैं। मैं अपनी जिंदगी को किसी बुनियाद पर खड़ी करना चाहता हूँ। क्या? अगर आप सेठ सीताराम से मेरी सिफारिश कर दें तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और अपना घर बसा लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। प्लीज, ये काम आप ही कर सकती हैं। तुम नलिनी से शादी करना चाहते हो? जी। तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम है? जी हाँ। ये भी मालूम है वो एक बड़ी बेहुदा औरत है जो तुम्हारी आड़ में बॉस के बच्चों की मां बनकर वो तुम्हें पाप कहलवाना चाहती है। तुम दुनिया को बिल्कुल नहीं समझते। दुनिया अपनी चाबू की मार से गधे आदमी को भी कुछ ना कुछ बना देती है। अगर तुम्हें बॉस के बच्चों का बाप बनना है, नहीं, कभी नहीं। इससे अच्छा है कि मैं शादी और घर का ख्याल ही छोड़ दूं। पागल मत बनो, भागने से प्रॉब्लम हल नहीं होती, हालात की नकेल मोड़ने से होती है।
लेकिन मैं शादी नाले में से ही करो, लेकिन मर्द की तरह उसे हमारे और मिस्टर मेहता की बीवी से ले जाओ। मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी मदद करूंगी। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ।
टोनी टोनी yes, तुम्हारा काम हो जाएगा थैंक यू सर कल हो जाएगा जरूर हो जाएगा डोंट वरी हो जाएगा लेट अस मूव अरे मेरा चंदन का हार किधर है चाचा संभाल चाचा सीताराम का 5 लाख का चेक अगर तुम रेस के घोड़े होते तो मैं सारी जागीर तुम पर लगा देता टोनी मास्टर इस 5 लाख में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है देख लेना बाकी रकम वो सेठ खुद पी जाएगा और कोई उससे मांग भी नहीं सकेगा अच्छा छोड़ो चाचा आज मेरे साथ एक सौदा करो क्या मैं नौकरी नहीं करना चाहता आप मेरा हिसाब साफ करो ये क्या सौदा हुआ चाचा तनख्वाह और कमीशन के रूपों से मैं एक मोटरबोट खरीदूंगा और बहुत बड़ी बड़ी मछली पकड़ूंगा और जो आमदनी होगी आदत तुम्हारा आदम मेरा आज क्या दिन में मार के आए हो ओफो चाचा मैं तो अपने दिल की बात कह रहा हूँ पर बरकुरदार जिस मच्छी ने तुम्हें पकड़ रखा है जब वो अपनी पकड़ तुम पर से ढीली करेगी तब तो कुछ कर सकोगे कौन सी मछली चाचा कौन सी मछली अरे वही जो सोने की गोलियां खाती है बोट खरीद सकते हो सच ये लो कमीशन का चेक थैंक यू चाचा ये क्या ये तो नली के नाम पे तो इसमें फर्क क्या पड़ता है तुम अपनी होने वाली बीबी पर यकीन नहीं करते यकीन तो करता हूँ ये सब उसी के लिए तो कर रहा हूँ ये हुई ना बात अच्छा चाचा हाँ एक बात बताओ बोलो काम मेरा मुआवजा किसी और को ये बड़ी नाइंसाफी की बात है देते इस रैट रेस में मतलब चूहों की दौड़ में तुम इंसाफ और नाइंसाफी की बातें करते हो अरे बेटा आज तो लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं डार्लिंग तुम्हारा और मेरा पैसा अलग थोड़ी है ये तुम्हारे पलंग गिरा दो एक दिन तुमने कहा था ना कि मेरी किश्ती हो तो ये वो किश्ती है जिसके लिए तुम फख्र से कह सकते हो कि मेरी किश्ती मेरी किश्ती दरिया के आदमी को दरिया में आना ना होता है सभी लोग आए तुम क्यों नहीं आई क्या उस रात की बात पर अभी तक खफा हो अरे भाई बता दो सही है क्या उस रात की बात का बुरा मान गई बताओ तुम क्यों नहीं आई आपने मुझे बुलाया कहा था ओ वाकई हमसे भूल हो गई इधर आओ नलिनी मैम सब तो आए थे वो तो बहुत खुश हुई होंगी अरे नलिनी की छोड़ो तुम ये बताओ तुम्हें समंदर की दुनिया कैसी लगती है हमको
नलिनी मेम साहब को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। अरे फिर नलिनी, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। गरीब लोगों की अपनी कोई बात नहीं होती है, उनको तो वही खुश होना पड़ता है जहाँ उनके मालिक खुश हो। नहीं बाबा नहीं, भूल तुम गरीब नहीं, तुम तो बहुत अच्छी औरत, रतन हो रतन। असली औरत तुम्हारे जैसी सीधी और सच्ची होती है। मुझे तो इन तड़क भड़क वालों के साथ रहना ही पड़ता है, मगर भूरी तुम तो तुम ही हो। मिस नलनी, आज की रात से हमारी। तुम उस टोनी से शादी कब कर रहे हो? आप शादी की बात कर रहे हैं? वो तो अपनी कश्ती के नशे में इतना डूब गया है कि अब उसे मेरी भी फिक्र नहीं रही। अच्छा, ये बात है। कश्ती भी मिल गई और मछली भी। ए, कौन मछली? भूरी, मेरी नौकरानी। भूरी, तुम्हारी नौकरानी? तो साहबजादे उससे इश्क फरमाने लगे? सर हमको भी तो उसका जलवा दिखाओ। मिस्टर पाठक। यस सर। कल से टोनी मोटरबोट नहीं चलाएगा। जी, कल से टोनी मोटरबोट नहीं चलाएगा। चलाएगा? जिसे समुद्र की लहरें नहीं रोक सकती उसे ये रोकेंगे? ये नहीं रोकेंगे तो हम रोकेंगे। पर सुजार कलेजे की ठंडक कहाँ चले? मैं कहता हूँ अब ये बोट का चक्कर छोड़ो, चलकर कोई और धंधा करे, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। चाचा, ये समुद्र में धरा ही क्या है? समुचे आदमी को निकल जाए, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं इसमें। अरे तुम तो नयन कटारी वाली मछलियों के लिए पैदा हुए हो बेटा, तुम्हारा जन्म तो कुछ विशेष सुंदरियों के लिए हुआ है, उन सुंदरियों पर रहम करो। अरे उनकी जवानी याद करो बेटा। चलो चलो। क्यों चलो? अब तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि औरत से बड़ा सुख नहीं, औरत से अच्छा संग नहीं, अरे औरत बड़ा कोई नशा नहीं। चाचा तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गया, भंग पी कर आए। लो लो पढ़ो इसी से मेरा सर। ये समझा रहा हूं कि मेहता साहब नहीं चाहते कि तुम वोट चलाओ। चाचा अब मैं उनके चाहने ना चाहने का मोहताज नहीं हूं। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम कुछ हो, मगर राजा मेरे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया करते। अगर दुनिया में रहना है तो बड़े आदमियों से कभी नहीं टकराना। और बेटा ये बात हजारों साल पुरानी होकर भी आज नई की नई है। तेरे पाँव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। अबे कुत्ते के दुम, तू अपने को समझता क्या है? मैं आधे का हिस्सेदार हूँ कि नहीं? तुम मेरी मर्जी के खिलाफ तू वोट नहीं चला सकता, हर गेम नहीं चला सकता। चाचा तुम ये रंग क्यों बदल रहे हो? कौन हो तुम लोग? पापा तुम लोगों की यहाँ पर क्या जरूरत थी है, जबकि मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। अरे इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे बुढ़ा समझते हो? एक फाइट मारूं तो बत्तीसी बाहर आ जाएगी। Thank you.
ये क्या हुआ? ये चोट कैसे आई आपको? खून? बताइए ना कैसे हुआ? और साला, अपने आप को चाचा बोलता है, ये तो दरिया में होता ही रहता है। तू फिक्र मत कर, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो नलनी, क्या हाल है तुम्हारी भूरी का? सुना है टोनी को भूरी के पाकिजा होने पर बड़ा गुमान है, तोड़ देते हैं गुमान उसका। ले आओ उस काले गुलाब को यहाँ। अच्छा अच्छा। भूरी? जी मैम साहब। क्यों, समुंदर पे गई थी? टोनी साहब के लिए खाना लेकर। इतनी देर लगा दी लौटने में? क्या टोनी साहब को अपने हाथ से खाना खिला रही थी? तू लाख छुपाने की कोशिश कर, लेकिन तेरे दिल की बात तो तेरी आंखें कह रही हैं। सच बता, तू टोनी को बहुत चाहती है? अरे सुन तो। देख पगली, चाहती तो मैं भी उसे हूं, और उसे कौन नहीं चाहेगा? वो है ही बहुत खूबसूरत, मगर उसके साथ मैं समुद्र के अंधेरों को अपनी जिंदगी नहीं बना सकती। इसीलिए अगर तू चाहे तो तेरी शादी टोनी के साथ हो सकती है। झूठ समझ रही है? इसके बारे में आज मैंने बड़े साहब से बात भी की थी। बड़े साहब? अरे मेहता साहब, जिनकी मैं भी नौकर हूं और टोनी भी, और न जाने कितने लोग हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। हम सबकी खुशियां उन्हीं के हाथ में है। अगर वो चाहे तो तेरी शादी टोनी के साथ करवा सकते हैं, और शादी के बाद टोनी को बहुत बड़ा आदमी बना सकते हैं। मगर तुझे बड़े साहब को यकीन दिलाना पड़ेगा, तुझे उनसे जाकर कहना होगा, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता तू उनसे कह सकेगी? अच्छा सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। पूरी शर्माना मत, मेहता साहब जो पूछेंगे बता देना। आओ बैठो। बैठो। ओके सर। कमीने औरत, अपना करियर बनाने के लिए तू एक मासूम लड़की को तबाह करना चाहती है? अरे वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? याद नहीं मुझे यहाँ कौन लाया था? शट अप। मैडम, तुम ये सब कुछ पहले कर चुकी हो, अब मेरा वक्त आया है। बाय बाय। तुम टोनी को चाहती हो?
मगर हम तुम्हें चाहते हैं। जी मास्टर, जल्दी उठो बेटा, गजब हो गया बेटा। कहाँ वो चालबाज नल्ली और कहाँ ये भोली भाली लड़की भूरी। फंसाने को आया है? कहाँ है मेरी कश्ती? कहाँ है मेरी कश्ती? अरे बेटा, कश्ती को छोड़, भूरी की फिक्र कर। अब क्या तेरी जान लेगा? अरे बेटा, मैं तेरी जान लेके क्या करूंगा? तू बस मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटा। मैं तुमको जान कुछ नहीं सुनूंगा। तुझे बचाने आया था बेटा, तुझे बचाने आया था। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मेरे कमांडर को तू देख चुका है, उससे प्यारा दुनिया में कोई है। जल्दी चल, भूली को बचा। अरे गरीब हो या अमीर, आखिर जवान तो हो। अबे ओ टोनी के बच्चे, क्या तू चाहता है कि मेहता के पापों का फल बिचारी भोली को भुगतना पड़े? उसकी गोद से हरामी बच्चा पैदा हो, वो हरामी बच्चे की माँ बने, और तेरी तरह अपनी माँ को माँ और अपने बाप को बाप न कह सके। दुनिया में एक और हरामी आ जाए, दुनिया में एक और हरामी आ जाए, और अपने बाप को बाप न कह सके। दुनिया में एक और हरामी आ जाए, एक और हरामी आ जाए, और हरामी आ जाए, वो हरामी बच्चे की माँ बने। अरे बात मत करो, इस वक्त मेहता के बंगले में एक शरीफ लड़के की इज्जत लूटी जा रही है। Thank you.
बोला था ना, हम तुम्हारे वास्ते एक अच्छा सा गर्ल फ्रेंड लाएगा, ये है वो। बेटी, हमारे टोनी का जिंदगी पर साथ निभाना।